हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो कि पूछी गई थी नीट 2017 के एग्जाम में फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैट्स। सपोज द चार्ज ऑन ऑफ अ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटोन के ऊपर चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, इट डिफर स्लाइटली। लाइक ए के ऊपर चार्ज है ई प्लस डेल्टा ई और ए के ऊपर चार्ज है माइनस ई। सो इफ़ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट इज जीरो, देन ऑर्डर ऑफ डेल्टा ई हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइड्रोजन एटम में लाइक वी हैव वन प्रोटोन एंड वन इलेक्ट्रॉन देयर। सो जो एक हाइड्रोजन एटम का फिर चार्ज हमारे पास बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, नेट चार्ज ई प्लस डेल्टा ई, ई प्लस डेल्टा ई प्लस माइनस ई, बिकॉज एक के ऊपर चार्ज ई प्लस डेल्टा ई है और एक के ऊपर माइनस ई है। सो जो नेट चार्ज बन रहा है एक हाइड्रोजन एटम पे वो बन रहा है ई प्लस डेल्टा ई माइनस ई, यानी कि डेल्टा ई। सो नेट चार्ज ऑन एच एटम इज डेल्टा ई। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स एट सेम डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू जीरो। सो हमें उस कंडीशन का यूज़ करके उसको मैथमेटिकली राइट करना है और डेल्टा ई का ऑर्डर पता करना है। सो दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन लिखें तो वो कुछ इस तरह से रहेगा, 1/4πε₀। मान लीजिए डिस्टेंस डी है उनके बीच में, सो इट इज़ लाइक डी स्क्वेयर और दो चार्जेस का प्रोडक्ट। जो नेट चार्ज होगा दो एटम्स का, तो एक का डेल्टा ई है तो दूसरे का भी डेल्टा ई होगा, सो इट इज़ डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ई। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलरली हम उन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे भी लिखेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है जी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड मास ऑफ अदर हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन एंड इन दिस क्वेश्चन हमें दे के रखा है लाइक इफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स इज जीरो। तो हम दोनों फोर्सेज को एक दूसरे के साथ इक्वेट करेंगे, मींस दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड देयर नेट सम इज इक्वल टू जीरो। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन इक्वेट इक्वेशन वन एंड टू विद ईच अदर। सो वी आर गोइंग टू गेट डेल्टा ई स्क्वेयर, मींस यहां पर था डेल्टा ई, सो इट इज डेल्टा ई स्क्वेयर 4πε₀ डिस्टेंस स्क्वेयर इज इक्वल टू, इट शुड बी इक्वल टू दैट इफ देयर सम, इफ देयर नेट इज जीरो, देन डेफिनेटली इनके मैग्नीट्यूड जो है वो वैल्यू में सेम रहेंगे। सो वी कैन इक्वेट दैम जी एम हाइड्रोजन एटम अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर। सो स्टूडेंट्स, हमें कुछ इस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम डेल्टा ई स्क्वेयर फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज जी एम एच इंटू एम एच मल्टीप्लाइड बाय 4πε₀। तो हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट लाइक 6.67 इंटू 10^-11 एंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लाइक 1.67 इंटू 10^-27, बट देर आर टू मासेज देयर, सो स्क्वेयर कर लेंगे इंटू 4 एंड पाई इज लाइक 3.14 एंड एप्सिलॉन नॉट, आप इसे 4πε₀ को स्टूडेंट्स आप 1/9 × 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं, बट मैंने इसे पूरा ही लिख दिया है लाइक 4 एंड पाई एंड एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 × 10⁻½ देयर। सो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा ई स्क्वेयर मिलेगा। सो वी नीड डेल्टा ई, सो फाइनली जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा ई का जो वैल्यू आएगा इट इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2.06 × 10⁻³⁻¹। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन थी उन ऑप्शंस में 10⁻³⁻¹ जो है वो हमारा आंसर है ऑर्डर का, बिकॉज दिस इज 2 × 10⁻³⁻, सो 2 इज लेस देन 5 देयर, सो ऑर्डर जो है वो रहेगा डेल्टा ई का 10⁻³⁻¹ कूलम्स। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो 10⁻³⁷ इसका आंसर रहेगा। सो ये कुछ इस तरह से प्रॉब्लम था जिसमें लाइक चार्ज ऑफ अ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, एक के ऊपर माइनस ई है और एक के ऊपर ई प्लस डेल्टा ई है। तो हमने पहले नेट चार्ज निकाला एक हाइड्रोजन एटम का एंड आफ्टर दैट हमने दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा एंड फिर उन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जीरो। सो हमने उन दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वेट किया बिकॉज नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन इज जीरो, सो डेफिनेटली देयर मैग्नीट्यूड्स मस्ट बी सेम एंड लाइक दे आर कैंसिलिंग विद ईच अदर। सो मैग्नीट्यूड को इक्वेट किया
And after solving this, we get answer for dentai. So 10 power minus 37 is the answer for this problem. Thank you.